बड़ों से सुना है कि राजा जंदाद नाम था, राजा सिकंदर रुमान साहब का दादा परदादा, उन्होंने बनाई थी ये 1876 का सुनने में आ रहा, 1875-76 की तमीर है इसकी। ये राजगान फैमिली की बनी हुई है। और राजा सिकंदर बड़े तो सब चले गए, अब उनके हैं पीछे राजा सिकंदर रुमान के बेटे हैं, राजा सुल्तान जी रुमान के बेटे हैं, वो देखभाल इसका कोई भी नहीं कर रहे। सो सिन्हा सर कि ये बहुत दूर से कराची पाकिस्तान पूरा इंडिया से ये बड़े बड़े दूर से उलमा बड़े कारीगर वगैरह मंगाए गए। बड़ों से जो सुना है ये इस मस्जिद की तमीर रखी गई है, ये और हाइट इसको सुनने में आया कि इसको और ऊंचा करना था, ये टेक्सला से नज़र आती, लेकिन और राज साहब जैसे ये इसकी बुनियाद रखी है और राव हो गए, ये थोड़ी आधे में ही काम इसका मुकम्मल कर दिया उन्होंने। ये तहखाना जो है ना, ये मस्जिद का जो खादम था मेरी याद में और रज़ा हुआ है, ये मस्जिद के खादम का था जो इधर पानी शानी भरता था मस्जिद में वुजू के लिए। मस्जिद जो है ना, मैंने होश संभाला है तो मैं इसी तरह इस मस्जिद को देख रहा हूँ। यह आबाद थी पुराना खानपुर, मेरे सामने घर आबाद हो गया, ये मस्जिद भी वीरान हो गई। इसमें कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है सिवाय ईद की नमाज के। मस्जिद में पानी नहीं पहुंच सकता, मस्जिद जो है ना इससे तकरीबन 20 फुट पानी दूर रहता है, मस्जिद के नज़दीक नहीं आ सकता पानी। नमाज के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं सारे, एक प्यादल रास्ता रह जाता है ये परली तरफ से, वो इधर आते हैं लोग घूमने वाले आते हैं, नमाज वाले आते हैं, सारा सिस्टम में तो होता है, लेकिन प्यादल रास्ता गाड़ियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। सर पे सबसे पहले तो मैं खुद हूँ, एक इधर है मलक चंदेब नाम का आदमी है, वो साथ गा रहा है उसका, और कुछ किश्तियों वाले मजदूर इधर आते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, वो कुछ करते हैं, कुछ हम लोग करते हैं, बहरहाल मिलकर जाना। ये अभी बोर किया है, कुछ चंदे इकट्ठे किए हैं, कुछ किया है ये बोर किया है, अभी इसके लिए आगे थड़ा बनाना है पानी की निकासी का, वो हमारे पास नहीं है। कोई आज दिन तक कोई आदमी नहीं आया इसकी देखभाल के लिए या इसकी मरम्मती के लिए, ना कोई सिविलियन आदमी आया है, ना इस मस्जिद के जो मालकान हैं उनमें से कोई आया है, कोई आदमी इधर देख ही नहीं रहा है इस चीज़ को। ये मालकान को चाहिए, जो मस्जिद के वारसान हैं ये उनको चाहिए कि उनके बाप दादा की ये निशानियां हैं इसको सही करें, ताकि जो देखने वाला आए। बाथरूम अभी नहीं है, गुसलखाना नहीं है, कोई लोटा हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी फिर 100-100 रुपये चंदा इकट्ठा करेंगे लोगों से, ये कश्तियों वालों से, कोई मजदूरों से, सब मजदूर ही हैं। फिर इधर बाथरूम गुसलखाना को बनाना है, कुछ करना है, कोई वुजू करने की जगह बनानी है, बस्तानिया की जगह बनानी है, ये हम गरीबों का काम ही है। नमाज बस जिस दिन कोई 2-4-10 आदमी शहर वाले घूमने के लिए आ गए वो पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना नहीं एक आधा आदमी दो आदमी इधर को जो नज़दीक हैं वही कोई पढ़ लें अपनी अपनी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ईद की नमाज जो है ना वो हमारे 4-5 आबादियाँ या गाँव है 4-5 ही हो, ईद की नमाज जो है ना इधर अता होती है, बाकी कुछ भी। ये टेंगे भी सर, ये एक शहर आबाद था तो
ट्यूबवेल का पानी इसमें जाता था। ये फिर आगे सप्लाई जो है ना, ये पूरे शहर को, ये पूरा शहर था ना, ये शहर को सप्लाई होता था पानी इससे, तो शहर गया तो बस ये टैंकी भी वीरान पड़ी है, पैप लोगों ने उतार लिए जो लगे हुए थे, बस ये खाली अब टैंकी ही है। कोई ख्याल नहीं रखता सर, जिधर छापर फेंका, जिधर को बर्तन फेंका, जिधर कचरा फेंका, फेंक के खुद वो खाया पिया और कचरा उधर फेंक के चले जाते हैं। पीछे जो भी आ जाए, हम में से कोई आ जाता है, वो कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया, कोई बोतलें पड़ी होती हैं, कोई छापर पड़े होते हैं, इधर जो है ना तो जूते कोई नहीं उतारता, अंदर चले जाते हैं, मना करो तो झगड़ा करते हैं लोग, क्यों हमारे पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है पूछने के लिए, तो झगड़े फसाद होते हैं इधर, रोज़ाना ही किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है।